जय हिंद दोस्तों, आज मैंने एक लाइन सुनी और वो लाइन कुछ ऐसी थी, जो ना बोले जय श्री राम उसको भेज दो कब्रिस्तान। और ये लाइन बाकायदा एक गाने की है जिसे जनता म्यूजिक नामक एक कंपनी ने रिलीज किया है और इस गाने के गायक है वरुण बाहर। आप सबको पता ही होगा कि देश में आज जय श्री राम के नाम पर किस तरह से मॉब लिंचिंग की जा रही है। अभी हाल ही का सबसे इंसाइटिंग केस हम बोले जिसे, वो है तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग। तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग में जबरन उसे जय श्री राम के नारे लगाने को कहा गया था। और ये जो वीडियो सॉन्ग बनाया गया है, जो ना बोले जय श्री राम भेज दो उसको कब्रिस्तान, इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग ही देश में ऐसे जो मॉब लिंचिंग हो रही है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ये गाने में बाकायदा उकसाया जा रहा है कि अगर कोई जय श्री राम ना बोले तो उसे कब्रिस्तान भेज दो। और यही कारण है कि देश में मॉब लिंचिंग बढ़ते जा रही है। क्या राम भगवान कभी ये चाहते कि उनके नाम को लेकर किसी मासूम की हत्या कर दी जाए? टीम 07 ने जो तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग पर एक वीडियो बनाई थी, उससे हम इस वीडियो सॉन्ग को जोड़ते हैं। टीम 07 ने एक मिमिक्री मची थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मार तो दिया तुमने तबरेज अंसारी को, लेकिन कल को उसकी औलाद बदला ले तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी है। चलो अब ये सॉन्ग पे आते, ये वीडियो सॉन्ग पर। ये वीडियो सॉन्ग के बोल कुछ ऐसे है, जो ना बोले जय श्री राम उसको भेज दो कब्रिस्तान। ये दोनों लाइन मैंने आपको बता दी। अब आप तय कीजिए कि इन दोनों लाइन में से ज्यादा भदा भड़काऊ लाइन कौन सी है। मैं आपसे एक विनती करता हूं, ये जो गायक है वरुण बाहर और ये जो कंपनी है जनता म्यूजिक, इसके खिलाफ आप कंप्लेन कीजिए। मैं भी करूंगा इसके खिलाफ कंप्लेन। मैं ये नहीं जानता मेरी कंप्लेन को लिया जाएगा या नहीं, लेकिन मैं पुलिस स्टेशन में जाके इसके खिलाफ जरूर कंप्लेन करूंगा। आप सभी भी इसके खिलाफ कंप्लेन कीजिए, जो राम जैसे पवित्र नाम का इस्तेमाल करके ऐसे भड़काऊ गाने बना रहा है, मैं उसके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए आपको विनती कर रहा हूं। और अभी हाल ही में हम देखे एजाज खान, जिन्होंने तो इनसे अगर कंपैरिजन करें ये लाइन की, जो ना बोले जय श्री राम उसको भेज दो कब्रिस्तान, अगर हम कंपेयर करें ये लाइन की और जो एजाज खान की वीडियोस है वो तो आप देखते ही होंगे, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर एजाज खान की वीडियो 100% भड़काऊ है तो ये जो वीडियो सॉन्ग है ये 1000% से भी ज्यादा भड़काऊ है। और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है, एजाज खान ने एक फिल्म है शूटआउट एट बडाला, आप सभी ने शायद देखी होगी। उसका एक बहुत मशहूर डायलॉग है, वारंट लाया है, गवाह है तेरे पास। इस पर एजाज खान ने एक टिकटॉक वीडियो बनाई थी, उसके विरोध में उन पर कार्रवाई हुई और आज वो जेल में है। और एजाज खान की वीडियो शायद आप देखते होंगे, मैं भी देखता हूं। ना मैं एजाज खान का सपोर्टर हूं, ना मैं टीम 07 का सपोर्टर हूं, ठीक है। मैं एक न्यूज जर्नलिस्ट हूं, मैं न्यूट्रल हूं, मैं दोनों साइड से देखता हूं बातें। तो मैं एजाज खान की वीडियोस देखते रहता हूं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा जो ना बोले अल्लाह अकबर भेज दो उसको शमशान घाट, इतना मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूं कि एजाज खान ने कभी ऐसा नहीं बोला है, आई एम श्योर अबाउट इट, ओके। और ये जो लाइन है, जो ना बोले जय श्री राम भेज दो उसको कब्रिस्तान, संविधान हमारा एकता सिखाता है, ना कि ये कि हम उसको कब्रिस्तान में भेज दे जो जय श्री राम ना बोले। खुद राम भगवान ये नहीं चाहेंगे कि अगर कोई उनका नाम नहीं ले रहा है तो उसको कब्रिस्तान भेज दो, उसे मार दो, उसे मॉब लिंचिंग करो, उसके साथ बेरहमी करो। खुद राम भगवान ये नहीं चाहते हैं। भगवान राम ने तो भाईचारे की शिक्षा दी है, भगवान राम ने शांति की शिक्षा दी है, भगवान राम ने ये शिक्षा नहीं दी है कि उनका नाम अगर कोई ना ले तो उसे कब्रिस्तान भेज दो। तो मैं आपसे फिर से विनती करता हूं, ये म्यूजिकल कंपनी जनता म्यूजिक और इस गाने के गायक
इस भड़काऊ गाने के गायक वरुण बाहर के खिलाफ आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें, और हाँ, वो भड़काऊ गायक वरुण बाहर पर कंप्लेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।